अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि आपको ड्रॉप शिपिंग के लिए किस तरह के प्रोडक्ट्स चूज़ करने चाहिए या किस तरह की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहिए ताकि आपको अच्छी सेल्स आए। तो एज़ फार एज आई नो और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहूँगा। आपको बेसिकली उस तरह के प्रोडक्ट्स चूज़ करने चाहिए जो कि यूनिक हों। यूनिक इन सेंस, आप कैसे पता लगाएंगे कि ये प्रोडक्ट यूनिक है या ये प्रोडक्ट यूनिक नहीं है? तो उसका सिंपल सा फार्मूला ये है कि ऐसे प्रोडक्ट जो आपके नियर बाय स्टोर से मिल जाते हों वो यूनिक नहीं है, और जो नहीं मिलते वो ऑब्वियसली बात है यूनिक है, क्योंकि वो आपको नॉर्मली मार्केट से नहीं मिलते, राइट? दूसरी चीज़ आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वाला देना है, एक अच्छा प्रोडक्ट एक इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर, कि बायर उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो और अगर वो उसको वो चीज़ एक यूनिक भी लगे और वो उसकी रेंज के अंदर भी हो, राइट? और तीसरी चीज़, चौथी चीज़ जो आपको देखनी है वो इम्पोर्टेंट ये है कि आपका उस प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट मार्जिन जो है वो काफ़ी अच्छा मिले आपको। तो चले कुछ प्रोडक्ट्स देखते हैं, एक दो मैंने देखे हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरह के प्रोडक्ट आपको प्रमोट करने चाहिए। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, ये एक प्रोजेक्टर है, ठीक है, मिनी प्रोजेक्टर है, सिर्फ 4000 रुपये का PKR, 4000 रुपीज़ का। तो आई डोंट नो कि इसकी क्वालिटी कैसी होगी, तो उससे बेटर ये है कि आप इसको पहले अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं, उसके बाद इसको प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, मज़ीद इन्होंने कंप्लीट डिटेल्स भी यहाँ पे लगाई होंगी इसकी। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रोडक्ट चूज़ करने से पहले आप उस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ देख लें कि उस प्रोडक्ट को जिन लोगों ने यूज़ किया हुआ है, इस प्रोडक्ट के अबाउट नो फीडबैक, तो इस प्रोडक्ट को हम चूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसके किसी ने यूज़ नहीं किया, अब हमें नहीं पता है एक्चुअल में क्वालिटी वाला है, अच्छा है नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास एक और प्रोडक्ट है जो कि है थर्मल प्रिंटर। बहुत कमाल की चीज़ है जो कि आपको लोकल स्टोर में मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इससे आप मतलब सिंपल इसको यूज़ करते हुए आप प्रिंट निकाल सकते हैं, और ये इतना सा प्रिंटर है, बिल्कुल छोटा सा, और इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर है, ठीक है। इसके रिव्यूज़ मज़ीद आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखें डिफरेंट रिव्यूज़ हैं, 5 स्टार हैं, लेकिन ये जो रिव्यूज़ हैं ये नॉर्मली सम लोग मतलब इसको पेड रिव्यूज़ भी ले लेते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी कि रिव्यूज़ ज़्यादा होने चाहिए उस प्रोडक्ट के, और ताकि अच्छे से आपको भी सेटिस्फेक्शन हो जाए कि ये प्रोडक्ट क्वालिटी वाला है। यहाँ पे देखिए, इन्होंने इमेज भी लगाई हुई है कि इस तरह से इन्हें प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आपने ऐसे प्रोडक्ट चूज़ करने हैं जो कि यूनिक हों, इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर हों, और प्रोजेक्ट जो है वो क्लाइंट की नीड या सेटिस्फेक्शन भी कंप्लीट करें और प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है, मतलब एक छोटा सा प्रिंटर है, आप इसको कैरी करके कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, कहीं पे भी प्रिंट निकाल सकते हैं छोटे पेज के ऊपर, और डिफरेंट छोटे बच्चों के लिए ड्राइंग्स निकाल सकते हैं, या जो कुछ भी करना चाहें इसके साथ कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है ये, इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर है, यूनिक है, ठीक है, और क्वालिटी वाला है। क्वालिटी आप रिव्यूज़ के ज़रिए चेक कर सकते हैं। तो ये बेसिक से थोड़ी सी चीज़ें थी। इसके अलावा मज़ीद अगर आप ड्रॉप शिपिंग के अबाउट सीखना चाहते हैं, ये एक सीरियस बिजनेस है, इसके अबाउट मज़ीद सीखना चाहते हैं, तो क्या करें, आप डिफरेंट सोर्सेज अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर, आप उनके जाके आर्टिकल पढ़ें, उनकी वीडियोस देखें, और मज़ीद आपको इसके बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी, तभी आपको मज़ीद ड्रॉप शिपिंग के लिए मार्केटिंग टेक्टिक्स और टिप्स और ट्रिक्स या कंप्लीट नॉलेज होगा, जिसको आप फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर जो की है वो मार्केटिंग है। प्रोडक्ट भी आपने उठा लिया, सप्लायर भी उठा लिया, आपने पैसे भी नहीं लगाए, और लेकिन अब प्रोडक्ट को प्रमोट तो करना है ना, कस्टमर तो लेके आना है, तो वो सिंपल आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अब किस तरह से मार्केटिंग करनी है वो आप क्या करेंगे अपने वो आप मज़ीद इसके अबाउट रिसर्च करें। तो आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।